हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी। आज आगरा में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सुबह से काफ़ी बारिश हुई है, अभी बारिश रुकी है, तो बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो हमने सोचा चलिए कहीं घूम आते हैं। तो हमारे घर के नियर बाय है सिकंदरा, बहुत ही अच्छी जगह है, तो मैं आपको वहीं पर लेके चलती हूँ। वी हैव रीच्ड सिकंदरा। इस जगह को बोलते हैं अकबर टॉम, और हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि मुझसे ज़्यादा जल्दी शौर्य को है यहाँ जाने के लिए, तो वो मुझसे आगे भाग रहा है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है, ये इसकी एंट्रेंस है, और बारिश हो जाने की वजह से ये ग्रीनरी और ब्राइटन अप हो गई है। यू कैन सी कितना बड़ा दरवाज़ा है ये। इट इज़ सिमिलर टू द बुलंद दरवाज़ा, ये थोड़ा थोड़ा उससे रिलेट करता है, बट ये बहुत ही बड़ा है। और इस तरीके के काफ़ी सारे दरवाज़े हैं इस एरिया में, आपको मैं दिखाऊँगी। मौसम अच्छा होने की वजह से इस जगह पे आज काफ़ी भीड़ है, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। एंड ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ पे। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। ये बहुत ही सुंदर है, इसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, और बहुत ही वास्ट एरिया में ये फैला हुआ है। और इस जगह पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं एंड पार्क वगैरह भी हैं। यहाँ पे थोड़े एनिमल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा दूर से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको डियर, पीकॉक, स्वाइन्स एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स दिख जाएंगी। ये देखिए पीकॉक है यहाँ पे। मौसम अच्छा होने की वजह से ये सारे जानवर बाहर निकल आए हैं। एंड इस पार्क में, इस ग्राउंड में जनरल पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है, ये वेल मेंटेन्ड एरिया है, और यहाँ पर ये सब एनिमल्स रहते हैं, तो पब्लिक यहाँ नहीं जा सकती है। ये देखिए कितने सुंदर पैरेट यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने ये वीडियो जूम करके लिया है, तो उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। ये वही गेट है जिसके अंदर महाराजा अकबर की ग्रेव है, उन्हें यहीं दफनाया गया था। ये उसके अंदर का लुक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। एक छोटी सी केव है ये देखिए, जिसके थ्रू हमें जाना होगा, और उसके अंदर जाके हम उनकी ग्रेव को देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होगा, और वहाँ आवाज़ भी गूंजती है। अगर आप एक बार बोलेंगे तो 7 times वो आवाज़ आपके पास रिपीट होके आएगी। ये है वो ग्रेव। यहाँ बहुत ही कूलिंग इफ़ेक्ट था। ये वही एक्चुअल जगह है, इसी जगह पर 7 feet deep उनको बरी करा गया था। नाउ इट्स द रेस्ट टाइम। शौर्य और मैं, हम दोनों बहुत थक गए हैं, तो हम रेस्ट ले रहे हैं। बट शौर्य कांट टेक रेस्ट, उनसे बैठा नहीं जाता है, वो भागते ही रहते हैं। और हम कहीं भी जाते हैं, मेरे को उसके पीछे बहुत भागना पड़ता है, मैं बहुत थक जाती हूँ उसके साथ। शौर्य की शैतानी देखिए, वो यहाँ आकर लेट गया है क्योंकि वो थक गया है। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि हम उसकी वीडियो बना रहे हैं, वो उठ के चल देगा।
टाइम टू गो बैक नाउ। अब हम लोग बहुत थक गए हैं, हम काफ़ी घूमे हैं यहाँ पर और शौर्य भी काफ़ी टायर्ड हो गया है, तो अब वो सिर्फ गोद में ही आ रहा है, वो वॉक करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब शौर्य अपने पापा के कंधों पे बैठा है क्योंकि वो भी उसे गोद में लेके बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपना इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये विज़िट अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।